दोस्तों सबसे पहले मैं इसका लॉक ऑन करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई है। देखिए मैंने जैसे ही इसको किक से स्टार्ट की तो गाड़ी तुरंत ही स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको सेल्फ यूज करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने ब्रेक दबाया, इधर लॉक ऑन है। देखिए अब गाड़ी जो है सेल्फ से स्टार्ट हो गई, ठीक है। देखो अब देखने वाली बात है, मैंने दो तीन सेल्फ लगाए तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, लेकिन अब भी लॉक खुला हुआ है। और जैसे ही मैं इधर से ब्रेक दबाता हूँ, देखो इधर ही दिखाओ, यहाँ पे गाड़ी जो है वो पूरा सेल्फ नहीं लेती है। दो तीन सेल्फ लिए मैंने तो गाड़ी ने ठीक ठाक सेल्फ लिया। और अगर किक से स्टार्ट करते हैं तो किक से तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। देखो पहली किक में स्टार्ट हो गई। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से है मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम गाड़ी बंद कर देते हैं। देखो जैसे ही जैसे हॉर्न की रिले होती है उसी तरीके से ये रिले होती है। अब हम इस रिले में जैसे ये एक पॉइंट है, हम इसमें बैटरी का करंट लेते हैं डायरेक्ट एक तार, ये हॉर्न की रिले है, तो जैसे हम इसमें एक तार बैटरी से डायरेक्ट लेते हैं उसी तरीके से इसमें भी एक तार बैटरी से आता है। ये वाला तार डायरेक्ट आ गया इसमें बैटरी से। और दूसरा जब हम इससे आउटपुट लेते हैं तो वो आउटपुट हो गया, ये इसमें भी चार तार हैं और इसमें भी चार तार लगते हैं, तो आउटपुट हो गया ये इसमें। जैसे हम इससे यहाँ एक डायरेक्ट यहाँ लेते हैं तार 12 वोल्ट का और एक यहाँ से आउटपुट लेते हैं इससे, ऐसे ही ये हो गया। और हम जो दो तार लेते हैं वो 12 वोल्ट की होती है, जैसे ये इसमें यह है पीले पर लाल लाइन और ये सफ़ेद पर हरी लाइन, इसमें भी हम ऐसे ही दो तार लेते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसको तो एक तरफ रखते हैं, जैसे ये काम करती है ऐसे ही ये काम करती है। तो अब इसके लिए बैटरी से ये वाला ले लिया और आउटपुट ये हो गया जो सेल्फ पर जाता है। और ये वाला जो पीले पर लाल लाइन वाला तार है ये आता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे हम चाबी ऑन करते हैं तो यहाँ से लाल और काले तार में करंट जाता है, और वो लाल पे काली लाइन वाला तार यहाँ आता है फ्यूज पर, और फ्यूज से वो तार काले रंग का बनकर आगे उसमें 12 वोल्ट जाता है। तो वो 12 वोल्ट का तार यहाँ जो इनके स्विच होते हैं ब्रेक के, उन पर आने के बाद जैसे हम इसको दबाते हैं तो वो करंट यहाँ पर आ जाता है हरे पर पीली लाइन वाली तार के द्वारा। फिर जैसे हम इसको जैसे ब्रेक को दबाया तो हरे पर पीली लाइन वाली तार में कन्वर्ट हो गया करंट, जो काले तार में आया था वो हरे और पीले वाली तार, तो हरे पर पीले लाइन वाली तार यहाँ आई और यहाँ से पीले पर लाल लाइन वाली तार बनकर वो यहाँ आ गई, जिससे हम ब्रेक दबाने पर ही सेल्फ यूज कर सकें। तो यहाँ से लाल आया, फिर यहाँ से लाल काला बन के यहाँ आया, फिर लाल काले से काला तार बना 12 वोल्ट का, फिर काला तार जो है वो यहाँ पर आया ब्रेक स्विच पर, फिर ब्रेक स्विच से हरे पर पीली लाइन बनी, हरे पर पीली लाइन वाला तार फिर यहाँ आया इस बटन पर, फिर इस बटन को दबाने पर पीले पर लाल लाइन वाला तार बना, तो ये हो गया पीले पर लाल लाइन। अब ये तार सीडीआई पर भी जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा पीले पर लाल लाइन, ठीक है। तो बटन दबाते ही यहाँ भी 12 वोल्ट आ गया और यहाँ भी आ गया, तो पीले पर लाल लाइन ये यहाँ आ गया 12 वोल्ट का। अर्थिंग कहाँ से आता है, अब अर्थिंग का ही इसमें मेन खेल है, प्रॉब्लम भी अर्थिंग की वजह से ही कर रही है। तो जैसे ही हम ये बटन दबाते हैं ब्रेक दबाकर, ये सेल्फ वाला ये वाला, तो यहाँ पर तो वोल्ट आ गया लेकिन अर्थ नहीं आया ये, क्योंकि अर्थिंग भी चाहिए इसको रिले को सेल्फ वाली को काम करने के लिए। अब अर्थिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको जब हम स्टार्ट कर लेते हैं
तो उसके बाद सेल्फ नहीं लगाता, चाहे हम ब्रेक दबा कर बटन दबाएं फिर भी सेल्फ नहीं चलता। वो इसी की वजह से नहीं चलता क्योंकि जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये सीडीआई इसको अर्थ नहीं देती और इसी की वजह से सेल्फ नहीं चलता स्टार्ट होने के बाद। तो होता क्या है, जब वो गाड़ी बंद रहती है इंजन चालू नहीं रहता तो पीला तार जैसे यहाँ आता है, इसमें पीले तार में करंट आता है, तो सीढ़िया क्या करती है इस पीले तार के करंट आते ही इसमें अर्थिंग भेज देती है, सफ़ेद पर लाल लाइन वाले, सफ़ेद पर हरी लाइन वाले तार में। तो इसमें दिक्कत ये हो रही है, कभी तो सीढ़िया इसको अर्थिंग दे देती है और कभी नहीं देती है। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका चाबी ऑन की करंट आ गया और मैं अब सेल्फ यूज करके देखता हूँ। देखिए स्टार्ट हो गई। देखो अब आपको आवाज़ आ रही होगी, इधर आकर दिखाओ, यहाँ किक के पास दिखाओ। तो जैसा कि आपने देखा, अब मैं बटन दबा रहा हूँ और ब्रेक दबा रहा हूँ लेकिन गाड़ी खच खच कर रही है, यानी पूरा सेल्फ नहीं ले रही। तो अब दिक्कत क्या है, और किक से स्टार्ट हो जाती है तो ये इसमें यही दिक्कत है, बस हरे पर सफ़ेद लाइन, सफ़ेद पर हरे लाइन वाली तार में सीढ़ी अर्थ नहीं दे रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसमें अर्थ में यहाँ पर एक तार जोड़ी, ये इसका अर्थिंग है और यहाँ पर लगाता हूँ। देखिए इसको हटा देते हैं और अब चेक करते हैं, ठीक है इसको अर्थिंग दे दिया यहाँ से, ये यहाँ पर हरे पर, देखो यहाँ पर सफ़ेद पर हरी लाइन वाला तार था। अब चेक करते हैं, तो अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप इस तार को अर्थिंग जरूर देकर देखिएगा अलग से। अब इसमें दिक्कत क्या रहती है, इससे अच्छा है आप सीडीआई चेंज कर दें, क्योंकि बेंडेक्स का जो कवर होता है, अगर हम स्टार्ट करने के बाद अगर सेल्फ यूज करते हैं तो बेंडेक्स का जो कवर होता है और बेंडेक्स टूटने का डर रहता है, तो अच्छा है आप सीडीआई चेंज कर दें। अगर आप सीडीआई चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको और अच्छे अलग से अर्थिंग दे दें, जैसे मैंने इसको अर्थिंग फिलहाल दिया हुआ है। मैं प्रूफ के तौर पर एक बार और आपको दिखा देता हूँ, इसको हटाया और अब इसको जोड़ता हूँ। देखिए इसको जोड़ दिया, अब चेक करते हैं, देखो स्टार्ट हो गई। देखो अब अभी से गाड़ी दिक्कत करने लगी। देखो मैं आपको एक बार और दिखा दूं, देखो आपको कट कट की आवाज़ आ रही होगी, सेल्फ नहीं चल रहा। और अब देखते हैं, इसका अर्थिंग हटा दिया सीडीआई वाला और इसको लगा देते हैं। अगर आप चाहते हैं इसकी वायरिंग की वीडियो देखना तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, अब गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो हमें यही करना है, अलग से अर्थिंग दे देना है। पर और एक चीज़ और आप चेक करें, या तो सीडीआई चेंज कर दें और इस तार में आज करंट चेक कर लें आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इस तार में करंट नहीं आएगा पीले पर लाल लाइन वाले तार में तो सीडीआई अर्थिंग नहीं देगी। तो इसमें मैंने चेक कर लिया था, यहाँ पे करंट आ रहा है इसमें पीले और लाल लाइन वाली तार में, लेकिन अर्थिंग नहीं दे रही थी, तो मैंने इसको अलग से अर्थिंग दे दिया, प्रॉब्लम ठीक हो गई। मैं फ़िलहाल सीडीआई चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सीडीआई चेंज कर दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सीडीआई की ये प्रॉब्लम रहती है, ये इसमें अर्थिंग नहीं देती है, कभी दे देती है कभी नहीं देती है, ठीक है। और हमारे अदर वीडियो आप आई बटन में जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ब्रेक पहले बस।